हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली मस्जिद नहीं जाते हैं तो इल्म इतना नहीं है जैसे हम दूसरी या तीसरी रकत में पहुंचे फर्ज नमाज के वक्त तो जो हमारी रकात छूट गई है उसका क्या तरीका है उसको मुकम्मल करने का फर्ज नमाज में जी हाँ फर्ज नमाज में जैसे जैसे फर्ज कीजिए कि आपकी एक रकात छूट गई है तो आपकी एक रकात जो छूट गई है आप इमाम के साथ कंटिन्यू नमाज पढ़ते जाएं जब इमाम की चार रकात कंप्लीट होगी तो इमाम सलाम फेरेंगे तो गोया कि अब आपकी तीन कंप्लीट हुई है क्योंकि एक आपकी छूट चुकी है तो जब इमाम सलाम फेर दें तो आप खड़े होकर के वो एक रकात जो आपकी बची हुई है आप उसको कंप्लीट करें और फिर तशहद करके सलाम फेरें जी मतलब आ, अगर मान लीजिए हम आखिर कत में पहुंचते हैं या दूसरी रकतें पहुंचते हैं तो हमें इमाम के साथ जो जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू करना है और जो छूट गई जैसे दो छूट गई तो दो पढ़नी है एक छूट गई तो एक पढ़नी है उसमें ये नहीं देखना है कि दूसरी रकत है या तीसरी है इमाम की या हमारी मतलब हमारा हमें इमाम की तबाह करनी है उसके बाद हम अपनी छोटी नमाज पढ़ेंगे जब तक आप इमाम के साथ में हैं तब तक आपको इमाम की इब्तदा करनी है मुकम्मल इमाम की तरह से जैसे जैसे इमाम करेगा वैसे वैसे आपको करना है जब इमाम सलाम फेर देगा तो जो रकाते आपकी छुट्टी हुई हैं उनको आपको पूरी करनी है शुक्रिया। अच्छा शेख वो जो छुट्टी होगी तो वो मतलब उसकी लास्ट ही काउंट होगी ना जैसे इमाम के साथ अगर इमाम की दो आखिरी है तो इसकी दो पहली वो काउंट होगी हाँ ये, तो ये एक मसला है जो बहन ने नहीं पूछा था आपने पूछ लिया अच्छा किया ये एक मसला है कि अगर हम मसबूक हैं हमारी बाज रकातें छूट गई हैं तो जहां से हम इमाम को ज्वाइन करते हैं तो क्या वो हमारी पहली रकात होगी या हम इमाम को अगर मान लीजिए तीसरी रकात में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हमारी वो तीसरी रकात होगी या हमारी पहली रकात होगी सही बात यह है कि वो हमारी पहली रकात होगी क्योंकि हदीस के अंदर है वातफ फातिमू तो जो नमाज छूट चुकी है वो छूट चुकी है हम, हमको उसे इतमाम करना है जहां से हम इमाम को पा रहे हैं वो हमारी पहली रकात होगी